एनडीए के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं। अभी जो चुनाव होने वाला है 20 मई को, हमारा एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। सबका साथ सबका विकास। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विगत 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में सबसे नीचे पौदान पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उनके पास भी विकास की किरण गई है। अब लोग सोचने लग गए हैं कि इस देश में गरीबों को कोई देखने वाला है। इससे पहले जो भी कांग्रेस के शासन में प्रधानमंत्री बनते थे या उनका शासन होता था, उस समय भारत की जनता अपने आप को भगवान के भरोसे समझते थे, लेकिन विगत 10 वर्षों में हर क्षेत्रों में विकास हुआ और अब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोता है, यही पड़ोसी देश है। एक दिन पहले हमसे आजाद हुआ था, आज वहां रोटी के लिए गोली चलती है, कटोरा लेके घूम रहा है। यही भारत है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। आज न कोई भूखा सोता है, ना इलाज के बगैर कोई मरता है। हर घर में बिजली है, रोशनी है, शौचालय है, किसानों को किसान सम्मान निधि मिला है। आज इलाज के लिए 5 लाख लोगों को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अकल्पनीय, जो कल्पना लोग नहीं कर सकते थे। विगत दस वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सब काम हुआ है और आगे आने वाले समय में इस चुनाव में 24 में जो चुनाव होने वाला है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 40 और पूरे देश में 400 पार ये सीट मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को। और इस सरकार बनने के बाद विकसित भारत का नींव डलेगा, जो परिकल्पना है उस ओर काम शुरू हो जाएगा। और 100 वर्षों के बाद जब भारत आज़ाद 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। और मधुबनी में भी लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती आई है। पिछले बार भी हम लोग यहाँ से 4,54,000 लगभग 55,000 वोट से जीते थे, लेकिन इस बार का भी चुनाव भी भले पॉलिटिकल पंडितों का कोई एनालिसिस हो, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत फिर चौंकाने वाला जीत। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।